भारत में गन्ने की फसल में करीब 220 हानिकारक कीट व 76 दूसरे हानिकारक जीव विनाश लीला करते हैं। फसल में आक्रमण की उग्रता पर गन्ना उत्पादन व मिलों में चीनी पुनः प्राप्ति में होने वाली कमी निर्भर करती है। इनके आक्रमण के कारण गन्ने से बनने वाले गुड़ की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। गन्ने में कुछ हानिकारक जीवों की वृद्धि के कारणों में इस फसल का 10 से 14 महीने तक खेत में विस्तारण, एक या दो पेड़ी की फसल लेना, आगे पीछे रोपण करना और कुछ थोड़ी ही प्रजातियों को बहुत बड़े क्षेत्र में खेती करना कुछ सहायक परिस्थितियां हैं। सभी उपलब्ध प्रौद्योगिकियों को अपनाकर एकीकृत हानिकारक जीव प्रबंधन द्वारा हानिकारक जीवों के स्तर को क्षति के स्तर से नीचे रखा जाता है। इस प्रबंधन में जैविक, रासायनिक और कल्चरल तकनीकी के बीच संतुलन बैठाया जाता है। इसमें हानिकारक जीवों द्वारा क्षति से आर्थिक सुरक्षा के अलावा इनके प्रयोग का पारिस्थितिकी और समाज पर पड़ने वाले प्रभावों को भी ध्यान में रखा जाता है। गन्ने की फसल में आक्रमण करने वाले छेदक या बेधक कीटों में से कंसुआ, जिस जीव का नाम काइलो इन्फेस्कैटलस है, देश के सभी गन्ना उगाने वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। ये हानिकारक जीव गन्ने में आमतौर पर पोरियों के बनने से पहले की शुरुआती प्रवस्था में आक्रमित करता है। छेदक का डिंब शाखा में मृदा के तल के नीचे से स्टॉक में एक या अधिक छेद बनाकर अंदर घुसकर वृद्धि पॉइंट को मार देता है। इस प्रकार वो मध्य के पत्तों के स्पिंडल को काट देता है जो अंततः सूख जाता है, जिसे अंग्रेजी में डेड हार्ट कहा जाता है। ये डेड हार्ट खींचने पर आसानी से बाहर निकल आता है। इससे एक विशेष प्रकार की दुर्गंध निकलती है जो कंसुआ संक्रमण विशिष्ट है। गर्मियों में जब सिंचाई के लिए पानी की कमी होती है तो संक्रमित सूखी शाखा से क्षतिपूरक ब्यांत नहीं बन पाते, जिससे खेत में खाली स्थान देखे जाते हैं। गर्मी के महीनों में यदि फसल 90 दिन से कम की होती है तो फसल में कंसुआ के आक्रमण में प्रबलता देखी जाती है। अतः कंसुआ तटस्थ स्थानों में फसल प्रवस्था व गर्मियों के मौसम को समकालिक न होने देने के लिए गन्ने को दिसंबर में रोपित करें। फसल में 30वें दिन पर हल्की मिट्टी चढ़ाना, बार बार सिंचाई व गन्ना अवशेषों से मल्चिंग करना कंसुए के आक्रमण को कम कर देते हैं। जब डेड हार्ट की संख्या हर 100 शाखाओं में 25 से अधिक हो जाए तब क्लोरपाइरीफॉस 20 ईसी से उपचार करना चाहिए। 10 लीटर पानी में 50 मिलीलीटर कीटनाशी को मिलाकर उच्च आयतन नैप सैक या बैकपैक स्प्रेयर से शाखाओं के पत्तों के चक्र में उपचार किया जाना चाहिए। लो वॉल्यूम स्प्रेयर्स या पावर स्प्रेयर्स के इस्तेमाल न करें। एक 90 सेंटीमीटर की दूरी पर पंक्तियों में रोपित की गई फसल में 10 लीटर घोल 100 मीटर की लंबाई के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इस प्रकार 2 लीटर कीटनाशी को 400 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ के लिए प्रयोग किया जाता है।